सागर के मकरोनिया में कांग्रेस पार्टी के दो गुटों में सड़क पर हुई झड़प। आपको बता दें कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा उतारे गए उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी को टिकट मिलने के बाद उसी दिन से बगावती तेवर नेताओं के नजर आ रहे थे और ऐसी कई तस्वीर निकलकर सामने आई। लेकिन आज तो गजब ही हो गया जब कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के द्वारा नामांकन फॉर्म जमा कर मकरोनिया में जनसंपर्क एवं रैली के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रहे थे। इस दौरान कांग्रेस का दूसरा गुट मकरोनिया राजा खेड़ी तरफ से आ रहा था, तभी दोनों में झड़प हो गई और जमकर हंगामा हुआ एवं जिसमें कांग्रेस द्वारा दावेदारी कर रही शारदा खटेक ने क्या कहा। का पुतला दहन कार्यक्रम था, सुरेंद्र चौधरी के आदमी आके और हमारे लड़कों के मानने लगे और उनने विरोध किया है और गाली गलौज की है, गुंडागर्दी की है और वो आ गए हैं कि मौसी तुम शांत रहना, मेरे को नुंगली बता रहे, मेरे को जान से धमकी दी है, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी है। ये पुतला जलाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? ये पुतला जलाने मैंने नहीं जला है, ये जनता पब्लिक जला रही है, नरियाली विधानसभा की पब्लिक जला रही है, ये मैं नहीं जलवा रही, वो जनता खुद मुझे घर से लेके आई कि आप चलो मौसी अभी तो और जलेंगे और आपकी नाराजगी हम दूर करेंगे। ये टिकट बदले नरियाली विधानसभा का, अगर नहीं बदलेंगे तो हम और पुतले जलाएंगे। मारपीट हुई है इसको लेके, क्या आप पुलिस में थाने में? पुलिस में जा रही हूँ मैं, रिपोर्ट कर रहे अभी थाने में रिपोर्ट करेंगे क्योंकि ये पार्टी का है, किसी और पार्टी का नहीं है। मैं कोई मुख्यमंत्री का पुतला नहीं जला रही थी, मैं अपनी पार्टी का जला रही थी। मैं प्रदेश महासचिव हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ और जीत जीत के मुझे भिजा रही जनता। मेरे और भी भाई मांग रहे थे टिकट, किसी को भी दे देते तो शांति बनी रहती। आज पांच बार चार बार हार गए और एक बार जीता था और जीतने पे इनने टिकट दे दिया है। बताइए जीतने वालों को कह रहे सर्वे नहीं है। दिग्विजय सिंह मेरे से कह रहा था भोपाल में कल के सर्वे में नाम नहीं है। कांग्रेस को इस्तीफा दूंगी अगर टिकट नहीं बदला तो, कांग्रेस का इस्तीफा दूंगी। अब दिग्विजय सिंह जी जो की पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और एक पुतला और लेकर आए तो हम लोगों ने मना किया कि आप क्यों जला रहे हैं, तो किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी। ये गर्दन में ये निशान है, ये आप देख सकते हैं, गर्दन पकड़ी और इसके बाद मुझे धक्का दिया तो मैं गिर गया और मुझे लगभग 20 से 22 लोगों ने ज़मीन पर आड़ डाल के डंडों से मारा है और अगर मुझे मेरा साथी नहीं खींचता तो मेरी जान चली जाती। जानलेवा हमला ऐसा किया गया है। एमएसटीवी के लिए सागर से संवाददाता निखिल सोंधिया की रिपोर्ट।